हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम हर बार आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं, इस बार भी नया लेकर आए हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि क्या नया है, ये तो दाल है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये है हरे मूंग की दाल। अब देखिए, हरा मूंग का दाल ये है। इसको अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं, चार पानी से धो लिए हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है इसका तड़का, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसमें डालने के लिए हम नमक ले लिए हैं और हल्दी ले ली है, बाकी तो तड़का में सारा सामान रहेगा। अब हम गैस पर कुकर में पानी गर्म करके रख लिए हैं। अब इसमें हम दाल को डालेंगे, हरा मूंग का दाल। बहुत ही पौष्टिक होता है यह दाल। दाल को इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तक तभी पता चलेगा कि इसका तड़का हम कैसे लगाते हैं। अब कुकर को हम बंद करते हैं, चार सीटी आने तक पकाएंगे। दाल हमारा हो चुका है, भाप की वजह से नहीं दिख रहा है। अब दाल को हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। देख लिए इस तरह से। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे चूल्हा पर। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे, जीरा तड़कने लगेगा। उसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे, लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। लहसुन को जलाना नहीं है, जलाने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे और थोड़ी देर इसे भी उलटते पलटते हुए चलाएँगे। अब देख लीजिए, प्याज हमारा हल्का, लहसुन हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है। अब और ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ख़राब हो जाएगा तड़का। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। गैस को एकदम कम रखेंगे, तेज़ नहीं करना है, और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भुनेंगे। तेज़ कर देने से क्या होगा, प्याज जल जाएगा, तड़का ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से इसे भूनते रहेंगे जब तक कि ये हल्का गुलाबी न हो जाए। देख लीजिए, अब ये हमारा हो चुका है। वो तड़का के ऊपर है दाल की, किस तरह का तड़का आप लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। तड़का जितना अच्छा आप तैयार करिएगा उतना ही टेस्टी बनेगा। देख लीजिए, अब इसमें हम मसाला डालेंगे, गरम मसाला। गरम मसाला डाल के थोड़ी देर इसे भी भून लेंगे। वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखिएगा। अब ये भी हमारा लगभग हो ही चुका है, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम दाल को डालेंगे। तो दाल हमारा अब ये इसमें अच्छी तरह से पहले चला लेंगे। नीचे बैठ गया है दाल, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखकर, मूंग का, हरे मूंग का दाल। अब इसको अच्छी तरह से चला ली है। अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में दाल को। अब एक उबाल आने तक इसको हम गैस पर रखेंगे। इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है हरे मूंग के दाल का तड़का। एक बार आप लोग ज़रूर मेरे तरीक़ा से बनाइए, खाइए और खिलाइए। किसी के सामने अगर ये पेश करिएगा बनाकर तो आपकी तारीफ़ें होंगी। ये इतना टेस्टी और इतना पौष्टिक है, पौष्टिक से भरपूर है हरे मूंग का दाल का तड़का। एक बार ज़रूर बनाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।